कंस की टोली में एक नया लड़का आया। कंस ने उसे अपने पास में बुलाया, है भैया। हाँ भैया, क्या कह रहे हो तुम, हमारी टोली में नहीं आए हो? हाँ भैया, नहीं आया। बड़ा तुम खुश नजर आ रहे हो आज, खुश नजर आ रहे हो। खुशी की तो बात ही है, ऐसी का बात तो ना मालूम भैया। जो मेरी मैया है ना, मेरी मैया ने बहुत अच्छी चीजें बनाई आज। सो का बना? एपू बनाओ का पकुनाओ का होते हैं, भूल ही गए भैया। फिर का खाए के आए? खाए के तो आए ना। का खाए के? अरे खीर 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 खाए के आए। खीर खाए के आए? हाँ। झूठ तो नहीं कह रहे? बिल्कुल भैया। अच्छा, एक शर्त पर मानेंगे तुम खीर खा के आए। बताओ, ये बता दो उस खीर में क्या क्या पड़ा था। अगर बता दोगे तो हम समझ जाएंगे कि तुम सच में खीर ही खा करके आए। क्यों नहीं बता सकते? जब मैं खाए गया हम बहुत अच्छी चीजें पड़ी थी। सबसे पहले हम पड़ी थी का होते किस्मत, किस्मत ना हो तो किसने से। हाँ भाई भाई भाई, और हम का परो तो, और बम भी परित मानो लोहारे लल्लू के। लोहारे नहीं तो छुआरे होते। ये छुआरे होते? हाँ। किस्मत में तो लोहारे ही कह दी तुमसे। लोहारे नहीं छुआरे होते हैं। और मतलब और बम में ना क्या पड़े थे? क्या वे गोल गोल भाई पाखाने लल्लू के। वो मखाने होते। मखाने होते, मैं तुमसे पाखाने कह दी थे। वैसे हमें उम्मीद नहीं लग रही कि तुम खीर खाए। खाए के आए भैया, खाए के आया। सुनो, और वहां मालूम कहाँ पर हो तो दरी, दरी नहीं गरी। हाँ भाई, गरी 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 गरी। और वहां मान सबसे अच्छी सौदा एक पड़ी थी मालूम भैया, तो क्या बताऊं। एक तो ऐसी मेवा पड़ी थी, बहुत सुंदर मेवा थी। कुत्तन कान पिलपिली पिलपिली चिपकी होते, वो कौन सी मेवा होते? कुत्तन कानों ना चिपकी होती मोटी मोटी, तो ही नहीं मालूम भैया। मेरी मैया ने जो खीर बनाई और दूध ने उठान भोरो, फिर सोई मेरी मैया ने भी कुत्ता कान में ते खोट के लबखाण में डाल दें। तो केसव से भैया जो दूध ने खोल भोड़ी, तो पहले देखना भी ऐसी थी जो दूध की भाप लगी बम आंच की, जो फूले जो टोंगा है गई भैया। वो कौन सी चीज होती? का ना होत बाबो मेवा को, बड़ी अच्छी सौदा थी। केसों से दूध में डालो तो फूल जाते। हाँ फूल जाते। मनक्का मुझे नहीं कुत्ता कान चोगे सो होते भी मनक्का थे। और का पढ़ो तो और परित लल्लू के बाम दान निकट दवाई में थे। और का पढ़ो दूध दूध गुरु गुरु नहीं बूरो। हां भाई गुरु, तो तुम खीर खाए के आए? हां मैं खीर खाए। मैं मैया ने बनाई, मेरी अम्मा ने बनाई थी खीर। मेरी अम्मा ने? हां बस तो मैंने एक ही चीज को नाम तो सही बता ही नहीं पाऊं। खीर खाए के, नमक डाल के चावल खाए के। ए नमक डाल ना खा के आए, मैं खीर खाए के आए। मेरी अम्मा ने बनाई थी खीर। तो फिर सुनो, एक बात पर हम भरोसा कर लेंगे कि तुम खीर खाए के। जरा जीभ निकाल के दिखाओ। नहीं जीभ? जीभ निकालो। जीभ का करे वो? जीभ निकालो। अगर तुम खीर खाए गए होगे तो तुम्हारी जीभ सफेद होगी। ओ लल्लू के तू वो चाना गए, तू मेरी जीभ काट लिएगो। पागल पागल है का? काटेगा तो ना। ना और देखो मैं जीभ तो निकाल दूंगा, मेरी जीभ बहुत लंबी है। कितनी बड़ी है? कम से कम तुड़ी ला जा। ले तुम्हें भैया तो ले ले। उस बच्चे ने जब जीभ निकाली तो कंस इतना दुष्ट रहे, उसने उसकी जीभ को काट दिया। और जैसे ही काटा, अब बेचारा रोता हुआ अपने घर पर गया। और जब पिताजी ने रोता हुआ देखा, पास में बुला लिया। क्यों कहाँ गए थे? कहाँ गए थे?
खेलने गए थे कहीं और गए किसके साथ थे तुम? कुछ खाओगे क्या? फिर बताओ, रो नहीं, बात क्या? ब्रश करो फिर फिर क्या बात है? सुनो, हमें उर्दू पल्ले नहीं पढ़ रही, लिखे बताओ जरा, काय पे लिखोगे? काय पे? मोबाइल पे? जिका है? मोबाइल? सुनो, अब दिखाओ। बस तो भाई जीभ कहाँ गई? काट गई? किन्ने काटी? ओ कंस ने। अरे कंस ने जीभ काटी है तुम्हारी। चिंता मत करो, अभी हम चल रहे हैं कंस के पास। अरे सर्वेश यादव जी की तरफ से हमारे पास में एक माला और 101 रुपए हमारे पास आए हैं। इसी गांव अतिराज पुरुषन और 101 रुपए एक माला कृष्णा यादव, ये हबिलिया के रहने वाले हैं। और ये लालू यादव अतिराज पुरुषन, एक माला और 101 रुपए से हमें सम्मानित किया है और 50-50 रुपए से सभी भाइयों को, और एक माला परीक्षित महाराज और यज्ञपति महाराज के लिए। और ये गुलशन यादव इसी गांव अतिराजपुर से एक माला पहना करके सम्मान किया है। और रीसू यादव नगला पाम के रहने वाले हैं, एक माला पहना करके हमारा सम्मान किया। कामना करेंगे भगवान का नहीं ऐसे भक्तों के जीवन में हमेशा सुख शांति बनाए रखे, यही कामना और आकांक्षा है गोविंद भगवान। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। इधर चल देते हैं वो लोग महाराज उग्रसेन के पास में, गई शिकायत लेकर के कि महाराज तुम्हारा बेटा आजकल बहुत उपद्रव करता है, बिना बात के बच्चों को मारता है, बिना बात के लड़ाई झगड़ा करता है, आज उसने हमारे बेटे की जीव को काट दिया। अब आप ही बताइए हम कितना सहन करें? सहन करने की कोई सीमा होती है, लेकिन तुम्हारा बेटा तो सीमा को भी पार कर रहा है। इधर महाराज उग्रसेन ने कंस को बुलाया। क्यों कंस? बोलिए पिताजी। क्या बात है? क्या कहना चाहते हो? बिना बात के लड़ाई झगड़ा क्यों करता है? लड़ाई झगड़ा? लड़ाई झगड़ा कौन कहता है पिताजी? लोग हमारे पास शिकायत लेके आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा बहुत झगड़ा करता है। और सुनो कंस, तुम हमारे पुत्र हो ना, इसीलिए तुमसे कोई कुछ नहीं कहता है। अगर गांव के होते ना, अब तक तो मार के खा गए होते लोग। पिताजी मुझे मालूम है, तुम बूढ़े से हुए तुम्हारी दिमाग की घोड़ी भी जूड़ी हो चुकी है, तुम्हें नहीं मालूम है पिताजी सत्ता कैसे संभाली जाती है। अगर कोई किसी की ना माने पिताजी, बोलो वो हाल मान जाए डंडे से, और दो उंगर की लकड़ी बकरा पाम जमावे डंडे से, राजकुमार चतुर घोड़ी को चार जलावे डंडे से,
अये भोजराज कंस पर जाके होश ठिकाने लावे डंडे से। पिताजी सुनो, नहीं मालूम सत्ता कैसे संभाली जाते है? अब तुम हमें बताओ, तुम हमें बताओगे कि प्रजा कैसे चलाई जाती है? एक बात सुनो बेटा, सुनाओ। जितना लाड दुलार हम तुम्हें करते हैं, उतना ही लाड दुलार हम अपनी प्रजा से भी करते हैं। क्यों? क्योंकि राजा भाई सर्वश्रेष्ठ होता है जो प्रजा और पुत्र को एक ही प्यार दे। समझ गए पिताजी? बोलो। ये दुनिया भरे के उपदेश मुझे मत सुनाओ। अगर तुम मेरे पिताजी नहीं होते तो आज हम तुम्हारा ऐसा हाल करते, जो तुम्हारे धड़ पर शीश है ना, ये सीच कटवा के यमुना जी में भबाव देते ने। एक बात सुनो, सुना। अगर यही बात कह रहे हो ना, तो फिर सुनो। अगर तुम हमारे बेटा नहीं होते ना, सुन रहा हूँ पिताजी। अगर तुम हमारे बेटा नहीं होते, तुम्हारे शरीर के इतने टुकड़े करते जो गिनने वाला भी पागल हो जाता है। पिताजी सुनो, अगर तुम मेरे पिताजी नहीं होते तो तुम्हारे मांस के ऊपर खाल चढ़ी है ना, इस खाल में हम घुस भर देते। सुनो, हम तुम्हारे पिता हैं, समझ गए? आखिर में हम तुम्हारे बेटा हैं, ज्येष्ठ बेटा है, तुम्हें नहीं मालूम? और सुनो, प्रजा का सम्मान हमसे कई गुना ज्यादा है। और सुनो, जब प्रजा को सम्मान मिलेगा तब प्रजा हमारा सम्मान करेगी, तब तुम्हारा सम्मान करेगी। इस बात को मत बोलो कि प्रजा की वजह से आज हम यहाँ तक हैं और तुम उसी प्रजा को कष्ट दे रहे हो, दुख दे रहे हो। कैसे पुत्र हो, अपने साथ साथ हमारा नाम भी बदनाम कर रहे हो तुम। ए बदनाम तुम्हें नहीं मालूम है पिताजी, मैं वो कंस नहीं हूँ। आप रावण की तरह समझते होगे ना, तुम्हें नहीं मालूम है। रावण के पास दिमाग नहीं था, उनके यहाँ देवता लोग बारी बारी से पानी भरने आते थे, वह माता उनके यहाँ पीसना पीसती थी। काल उनके पार्टी से बंधा हुआ था। एक बार उन्होंने सोचा कि मृत्यु लोक से सुरक तक ऐसा एक रोड तैयार करेंगे जनता को आने जाने में तकलीफ ना हो, लेकिन उनकी तरह मूर्खताई का काम नहीं करेंगे। पिताजी तुम्हें नहीं मालूम है, हम वो काम करने जा रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव पर हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं। पिताजी विजय प्राप्त करना चाहते हैं। पिताजी तासे मेरी बात मानो, नहीं अन्यथा तुम्हारा ऐसा श्रृंगार करेंगे ये दुनिया वाले देखेंगे कि कंस ने अपने पिताजी का क्या श्रृंगार किया है। से मेरी बात मानो, मुझे सत्ता संभालने दो। आपके सिर पर ये सिरताज है ना, इज्जत से मेरे सिर पे रख दो। एक बात कहें? कहो। तुम बोलते बहुत हो, सुनो। सुना। कहने का मतलब है कि तुम राजा बनना चाहते हो। बिल्कुल पिताजी, बिल्कुल बिल्कुल बूढ़े बाप। तो सुनो। सुना।